गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेरी वॉर्म वेलकम। आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से एंटीलिया बॉम्ब स्क्वायर केस और मनसुख हिरेन केस में डेवलपमेंट है। एनआईए बैंग ऑन टारगेट है और एनआईए ने प्रदीप शर्मा को इस मामले में अरेस्ट कर लिया है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा अब एनआईए की कस्टडी में है। वहीं सचिन वाजे, रियाज काजी, सुनील माने, विनायक शिंदे और बुकी भी कस्टडी में है, लेकिन इसी बीच चार और लोगों को अरेस्ट किया गया और हत्या का मामला सामने निकल कर आ गया। और किसके कहने पर हुआ वो भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। इस मामले में सतीश, मनीष, संतोष शिलर और आनंद यादव को भी कस्टडी में ले लिया गया है, अरेस्टेड हैं। और उसी के चलते अब मनसुख हिरेन हत्या मामला ऑलमोस्ट सॉल्व लग रहा है, लेकिन मेन किंग पिन कौन है ये भी एक सवालिया निशान बना हुआ है। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि सचिन वाजे सुपर कॉप बनना चाहते थे, लेकिन प्रदीप शर्मा का मोटिव क्या था ये भी एक सस्पेंस है। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि आर्म फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया गया है एनआईए ऑफिसर्स के बाहर। ये खबर आ रही है एनआईए ऑफिस के बाहर, ये खबर आ रही है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इस मामले में सीआरपीएफ की टीम को डिप्लॉय कर दिया है एनआईए के ऑफिस में। प्रदीप शर्मा के अरेस्ट के चलते ये एक कार्रवाई की गई है। और सबसे बड़ी बात वो ये है कि आने वाले दिनों में कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं, और उसी के चलते एज अ सेफ्टी मेजर आर्म फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया है। ये खबर आ रही है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया है आउटसाइड द एनआईए कुंबाला हिल ऑफिस वेयर द एक्यूज्ड आर लॉज। ये खबर है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और उसी के साथ मेन एंट्रेंस को भी क्लोज कर दिया गया है। ये बड़ी खबर है जो कि निकल कर आ रही है एनआईए से। तो आर्म फोर्सेस को एज ए सिक्योरिटी मेजर डिप्लॉय कर दिया है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इस मामले में आने वाले दिनों में बहुत सारी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, ये कहना है सोर्सेस का जो कि खबर निकल कर आ रही है। और उसी के चलते आप लोगों के सामने इस ब्रेकिंग न्यूज़ को साझा कर रहा हूँ। तो कुछ और खबरों के साथ फिर जल्द जुड़ूंगा, क्योंकि बहुत सारी और खबरें आ रही हैं जो कि रिलेटेड टू महाराष्ट्र हैं और सुशांत सिंह राजपूत है। तो फिलहाल इतना ही, कुछ और देर में कुछ और खबरों के साथ। धन्यवाद।